हेलो दोस्तों, मेरे पास ये आईबल का होमबुक लैपटॉप है। इसमें से ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन ऑफ हो रहा है। सिर्फ एक सेकंड की लाइट जल रही है, उसके बाद ऑफ हो जा रहा है इस तरीके से। तो ये इसका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से ख़राब है, इसका ऑन ऑफ बटन भी ख़राब हो गया इसका। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑन ऑफ करने का जुगाड़, एक तरीका, क्योंकि इस लैपटॉप का कॉम्बुक का जो कीबोर्ड है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता, कहीं नहीं हो पाता। इसको ऑन ऑफ का आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये लैपटॉप हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद ये दिखाता हूँ, ये आपका कीबोर्ड का केबल है, यहाँ पर कनेक्ट होती है, मैंने इसको निकाल लिया है। ये मेरे पास एक जम्पर वायर है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, इसको मैंने काट लिया है अपने साइज के अनुसार, जो साइज में चाहिए। इसको ब्लेड से थोड़ा खुल, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ जैसे, जिससे ये सोल्ड हो जाए। ये हीट सिंक है, मैंने इसको खोल लिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना कीबोर्ड जब केबल लगता है, जो कनेक्टर है यहाँ पर, उसका लास्ट फोर पिन, ध्यान रहे लास्ट के फोर पिन, लास्ट के आपके राइट साइड से फोर पिन पे मैं यहाँ पर एक जम्पर वायर में सोल्ड करूँगा। ये देखिए सोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पर, और दूसरे जम्पर वायर को मैं यहाँ पर यहाँ सोल्ड करूंगा ग्राउंड पर। देखिए हमारे ये दोनों जम्पर पर यहाँ सोल्ड हो गई है, एक यहाँ और एक यहाँ। हमने जो इसका हेड सिंक जो मैंने बोला था, उसको हम दोबारा यहाँ पर इसको पैक कर देंगे, फिट कर देंगे यहाँ से। दोनों जम्पर वायर यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ उसको थोड़ा सा ग्लू गन से, हम उसको यहाँ पर जम्पर वायर सोल्ड किया था वहाँ थोड़ा ग्लू गन लगा देंगे, ग्लू लगा देंगे जिससे थोड़ा सा जो जम्पर है वो जो पॉइंट है वो फिक्स हो जाए, मतलब खिंचे नहीं, टूटे नहीं वहाँ से। ध्यान रख कीबोर्ड का पत्ता आपको निकाल देना है, उसको लगा नहीं रखना। और ये हम जो जम्पर वायर है इसको हम यहाँ प्रॉपरली फिक्स कर देंगे मास्किंग टेप से, पतली कोई मास्किंग टेप आप या कोई भी टेप यूज कर सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा माइक होता है इसका, माइक को हम ऊपर यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पर हम जो वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो यहाँ से रिकॉर्ड होता है माइक, माइक के थ्रू। तो जो यहाँ पर जो छेद हो, यहाँ पर जो होता है उसको हम थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेंगे, जो जो जम्पर वायर है वो यहाँ से बाहर आ जाए। दोनों जम्पर वायर हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखिए हमने ये फ्रंट साइड पे यहाँ पर हमने इसको यहाँ से निकाल लिया। यहाँ इसको हम प्रॉपर टेपिंग कर देंगे, टेप से इसको प्रॉपर सेट कर देंगे, कहीं वायर खींचे नहीं, कहीं वायर किसी और कभी कहीं पर लगे नहीं। ये जो माइक है, ये माइक दोबारा सेट कर देंगे। ये हमारे ये जो दो जम्पर वायर थी दोनों यहाँ पर आ चुकी है। ये मेरे पास एक टू पिन का ऑन ऑफ स्विच है, ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। ये इसमें ओनली टू पिन होते हैं, लेकिन दो
सोल्ड करने का ऑप्शन होता है, उसमें होता है, इसलिए इसको टू पिन बोलते हैं। एक दोनों जम्पर वायर को हम एक एक पॉइंट पे हम उसको सोल्ड कर देंगे, सोल्ड ऐसा करना है कि आपस में टच नहीं हो। यहाँ पर ये दोनों आपस में अलग अलग पॉइंट पे सोल्ड हो गया, आपस में टच नहीं है, आपस में सोल्ड नहीं होना चाहिए कहीं पर बीच में। इसको हम यहाँ पर प्रॉपर इसको टेपिंग कर देंगे, यहाँ से भी है खींचे नहीं आपस में, मतलब चिपके नहीं आपस में, लगे नहीं है। रेडी हो गया और हमें इसको यहाँ पर इसको फिक्स कर दें प्रॉपर। सोचता मैंने इसको थोड़ा निकाल लिया था कि थोड़ा वैसे कर दिया हल्का से, ये थोड़ा डाउन हो गया है, इससे मेरा स्विच इसके बराबर में आ जाएगा, लेवल में आ जाएगा। मैंने स्विच इसको यहाँ पर ब्लू से सेट कर दिया है, लेकिन फिर बार जो मेरे एक्स्ट्रा है इसको हम अंदर ही खींच कर यहाँ उसको यहाँ पर इसको आपको फिक्स कर देंगे। और यहाँ पर भी हम जो उसको जम्पर वायर है उसको भी हम टेपिंग कर देंगे, कभी हाथ से लगे नहीं किसी से कटे नहीं। लास्ट में हमें बैटरी कनेक्टर लगाना है, मैं इसको लैपटॉप पैक कर देता हूँ, पैक करके इसको चेक करते हैं हमारा ये जुगाड़ है वो सही हुआ है नहीं हुआ। देखिए मैंने इसमें इस स्विच से ऑन कर रहा हूँ, देखिए लाइट आ गई और ये जो कॉम्पैक्ट लैपटॉप है वो ऑन हो गया है। देखिए लैपटॉप मेरा ऑन हो गया। अब इसमें हम जो कीबोर्ड तो हमारे से वर्क नहीं करेगा, पर हम कोई भी हम यूएसबी कीबोर्ड हम यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटा वाईफाई कीबोर्ड प्लस टच पैड है, मैंने इसको कनेक्ट किया है, मैं इसको ऑन करता हूँ। इसे ऑन कर दिया, इसमें कोई भी यूएसबी आप कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, आप उसमें काम वर्क कर सकते हैं। देखिए इसमें मेरा कीबोर्ड चल रहा है, पासवर्ड टाइप करके ऑन करता हूँ लैपटॉप को। ये कीबोर्ड मेरा वर्क कर रहा है और ये मेरा लैपटॉप ही ऑन हो गया, जो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था सिर्फ एक कीबोर्ड की वजह से। अगर आपको मार्केट में इसका कीबोर्ड अवेलेबल नहीं हो पा रहा, आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, एक जुगाड़ है, इसमें आपका टच पैड चलेगा, कीबोर्ड आप अलग से यूएसबी आप यूज कर सकते हैं, आप यूएसबी केबल यूज कर सकते हैं कीबोर्ड, या आप वायरलेस कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरे जुगाड़ ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।